देखा तुमको पैक कर रहे थे ब्लाउज, तो हाँ जब लोग जा रहे हैं नौगांव विथ बाइक राइड भैया और मैं, तो चलो फटाफट चलो, आज स्ट्रीम नहीं हो पाएगा सॉरी, कल से स्टार्ट करता मालूम है, बट फिर भी आज ब्लॉग कंटेंट मिल गया है, तो चलो ये फुल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो चलो मिलते कंटेंट मिल गया। आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर है, चलो आएंगे। तो गाइस ये ना हम लोग जर्नी स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम घर से निकाल के एकदम गौचुक पहुँच चुके हैं। गौचुक जो यहाँ पे देख सकते हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये 6 लेन या फिर 6-8 लेन हाईवे होने वाला है, बहुत बड़ा, तो बहुत अच्छा बनेगा ये हाईवे। तो हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं और आगे चलते हैं क्या मिलता तो है। तो जैसे कि देख सकते हैं आज रास्ता पता नहीं क्यों खाली था, एकदम हाईवे पूरा खाली है, देख सकते हैं आप लोग एकदम पूरा गया, तो गाड़ी ही नहीं। वे बेसिकली इस जगह पे बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक लगता है, लेकिन आज हम लोगों का लक था तो नहीं है कुछ। तो मैं इसमें क्या बोल रहा था कि हम लोग फाइनली रिच हो गए खानापारा। तो खानापारा स्टार्टिंग है गुवाहाटी सिटी से बाहर, जब निकलोगे खानापारा क्रॉस करके निकलना पड़ेगा, तो बेसिकली गुवाहाटी सिटी का एंट्री है। जिन जिनको पता नहीं, अगर आप लोग गुवाहाटी से देख रहे हो तो ऑब्वियसली पता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड खानापारा में भी ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी, पता नहीं हम लोग अलग अच्छा था। हम लोग अभी खानापारा क्रॉस करके जोराबाद पहुँच चुके हैं, जोराबाद का रास्ता तो सबको पता ही है। तो बेसिकली वहाँ पे भी मज़ा आ गया, तो फर्स्ट टाइम बाइक राइड में मैं सीरियसली इस रास्ते पे गया हूँ एंड जैसे कि देख सकते हैं नज़ारा एकदम ओपी था, एकदम क्या ही बोले आप लोगों को। वेदर भी अचानक से एकदम कूल डाउन हो गया था एकदम। यहाँ पे देखो ये सब बेच रहे हैं ये लोग, गर्मियाँ है ना इसीलिए। तो आगे चलते हैं ऐसे। तो ये नज़ारा देखो गाइस, यहाँ पे पहाड़ है हम लोग का चारों तरफ, सिटी से दूर, पॉल्यूशन से दूर, एकदम खुली हवा में एकदम नेचुरल वाइब्स आते हैं इस रास्ते पे। आगे तो और अच्छा अच्छा व्यूज़ है, आप लोगों को क्या बोले, कैमरा से आप लोगों को बोल नहीं सकता, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये। तो बहुत अच्छा लगा ये जर्नी। तो आगे पूरा बादल काला होके आया था, डार्क होके एकदम थंडर स्टॉर्म जैसे आता था वैसा पूरा। सो मुझे क्या चाहिए था, एकदम मेरा फेवरेट वेदर मेरे सामने था और मैं बाइक में था और मैं जर्नी कर रहा था, तो मुझे क्या था, मैं एकदम खुश था। तो ऐसे वाइब्स लेते लेते आगे बढ़ते रहा, एकदम गाना सुन के एकदम नेक्स्ट लेवल वाइब्स आ रहा था। तो आप लोग भी ऐसे राइड करिए छोटे मोटे। तो ये आगे पूरा काला होके आया था एकदम मस्त, मुझे एकदम इतना खुशी कभी नहीं हुआ भैया, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसे हम लोग चलते चलते जा रहे थे एकदम वाइब्स ले लेके, और अचानक से बारिश होने लगा। तो ये छोटा सा आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप भी मेरे साथ जा रहे हो। तो ऐसे करते करते हम लोग बारिश में भीगते भीगते पहला टोल गेट पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोग गुवाहाटी से नौगांव जाओगे तो आपको 2 टोल गेट मिलेगा, बट हम लोग नौगांव नहीं जा रहे हैं, उसके पास रोहा पे जा रहे हैं, तो 1 टोल गेट एंड ऑब्वियसली बाइक का फ्री है। नज़ारा देखो क्या ही फॉगी वेदर हो गया एकदम, बारिश का जो बारिश के बाद जो स्मेल आता है लैंड का वो आ रहा था एकदम फ्रेश, मैं एकदम एंजॉय कर रहा था देख सकते हैं एकदम। एंड मैं ये वॉइस ओवर क्यों दे रहा हूँ, मैंने माइक्रोफोन लगाया फिर भी काम नहीं कर रहा एंड मेरे कैमरे पे पूरा फॉग हो गया था पानी लग के, एकदम नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा था। एंड जो हवा मार रहा था ना वो नेचर एसी से कम नहीं था, अगर पता नहीं उस दिन हम लोगों का लक हम लोगों के साथ था। जैसे हम लोग निकले पूरा बारिश देना शुरू हो गया, जब लोग हम लोग प्लान बना रहे तब पूरा धूप था, तो ऐसे वेदर में बाहर निकलना बहुत मज़ेदार है। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते। तो ऐसे करते करते हम लोग सोनापुर पहुंच चुके हैं। तो सोनापुर में भी वेदर एकदम ठीक था, परफेक्ट था, और ये एक रेल का ब्रिज क्या ही व्यू आ रहा था एकदम। तो मैं हमेशा की तरह एकदम मेरे दुनिया में बिजी, अपने वाइफ में बिजी, मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे ब्लॉग बनाना है, फिर याद आया ब्लॉग चलो। तो मैंने रिकॉर्ड फटाफट से मोबाइल निकाला और मैंने बनाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो मैं व्यू में इतना खो गया था कि पता नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बार आना जाना कर चुका हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बाइक में आया, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम बाइक में ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस था तो मुझे थोड़ा दिक्कत आया। तो बट
एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल। अभी मुझे पता चल पा कि यूट्यूबर सब इतना स्ट्रगल करके वीडियोस बनाते हैं एंड जो जो बोलते हैं फेक एंड तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे पता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा रुके, पता नहीं क्या पहुँच गए हम लोग, बस ज़्यादा दूर नहीं है और लगभग 60% हो गया है कम्प्लीट। तो यहाँ पे रुके थोड़ा चाव में, अदरक से थूपा आ गया, देखो जगह अच्छा है, यहाँ पे एक नर्सरी है, सही है, लेट्स गो और आगे थोड़ा जाना है, चलो। तो हम लोग सोनापुर क्रॉस करके आ चुके हैं और यहाँ का व्यू देखो, हर तरफ पेड़ ही पेड़ मिलेगा आप लोगों को। ये सिर्फ पूरे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में आपको इतना ग्रीनरी भी नहीं मिलेगा, मैं लोके बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब जरूर से विजिट करें, नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए बहुत जगह है। तो यही मेरे छोटा सा पार्ट थी, ये बस 5% मैं जस्ट घूमा, ये इतना ब्यूटीफुल क्या बोले आप लोगों को। सो बाय द वे आगे आप देख सकते इतना काला होके आया, पूरा बारिश का वेदर, जो हवा फील कर रहा है ना वो एसी से भी बहुत ख़तरनाक है, एकदम नेचुरल कूलिंग दे रहा था मेरे फ़ोन को भी और मेरे चेहरे को भी, एकदम फ्रेश फीलिंग आ रहा था, हम लोग थके नहीं। जाने के टाइम हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत देर से, ऐसा लगा कि बहुत जल्दी पहुँच गए आज, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अभी भी लगभग 75% बाकी है जाना, तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर एंजॉय करें तो जरूर से फॉलो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो हम लोग क्रॉस कर लिए है जागी रोड, तो क्रॉस करते ही यहाँ पे देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम। तो ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं एकदम, और वेदर भी एकदम अभी लगभग बारिश होने ही वाला है शायद, ऐसा होके रखा है। तो चलिए आप लोग भी आइए, एंजॉय करते हैं ये जर्नी टूर माय डेस्टिनेशन रोहा। तो पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर बाकी है, तो बहुत पास चीज़ें तो पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, यहाँ पे देखते हैं और देखो रास्ता कितना सुंदर है यहाँ का, देखो यार देखो अचानक से थोड़ा धूप दे रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे एक नारियल का शॉप है अच्छा सा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो जरूर से लाइक एंड फॉलो जरूर से करनी, इंस्टा पे भी बहुत सारा रील रिकॉर्ड किया डालूंगा, तो ऐसे ही और मज़ेदार ब्लॉग आएंगे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जब मच। सो गाइस जैसे कि आप लोग देखते हो पूरा आसमान पूरा डार्क हो गया एकदम, और इतना अच्छा हवाएं मार रहा है एकदम लवली, तो ऐसा वेदर में बाइक चलाने का और ऐसे जाने का मज़ा अलग होता है। तो ऐसे हम लोग चले और रास्ते पे और अच्छा वेदर हो गया था, तो देखिए आप लोग एंड एंजॉय द वीडियो विद दिस वाइब्स। अभी हम लोग बस रोहा पहुंचने वाले हैं, लगभग अभी 16 किलोमीटर बाकी है, तो ये 16 किलोमीटर जल्दी से बीत जाएगा। और रास्ते पे बारिश मिला थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे हुए हम लोग भीगे नहीं तो सर्दी हो जाता हम लोगों को। एंड अगर आप लोगों को ऐसा वेदर के साथ राइडिंग करना पसंद है जरूर से मुझे कमेंट पे बताइए, एंड आप लोग भी आइए ऐसे एंजॉय करिए, एंड होप मैं तो एक्सपीरियंस पूरा कैमरा पे तो नहीं बता सकता रियल एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी पता चला राइडर सबको इतना राइड करने में क्यों पसंद आता है। पहुंच गए जगह पे, बेसिकली हम लोग आए क्योंकि दादी का कुछ रिवाज होता है ना वो है, तो इसीलिए हम लोग आए सरप्राइज देख अचानक से आगे हम लोग है। अभी जस्ट कपड़ा वगैरह खोलते हैं थोड़ा फ्रेश होता है, उसके बाद मिलते हैं वापस रिटर्न भी जाना है, फ्रेश होके आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और ये चावल और दूध और गुड़, हाँ ये तो असम का ट्रेडिशनल फूड है, तो यहाँ पे कुछ पूजा हो रहा था, अभी खाना पीना खा लिया वापस निकल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं वॉक करने आया, पेट बहुत फूल हो गया था, अजीब लग रहा था तो वॉक करने आया, तो यहाँ पे एक फील्ड है नाइस, और यहाँ पे मेन रोड अभी गुवाहाटी के लिए वापस। चलो वेदर मस्त है यार, बारिश नहीं दिया फिर भी देखो यार मस्त। चलो हर स्ट्रीम नहीं किया, एक फायदा हो गया, एक कंटेंट मिल गया, लेट्स गो। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम, चलो तो
तरफ से जाएंगे सब लोग यहाँ पे खा पाले को बैक टू होम, हर जगह एडिट भी करना है। सो आफ्टर 1.5 आवर वी फाइनली रीच गुवाहाटी। तो हम लोग गुवाहाटी एंटर कर चुके थे, रास्ते पे ट्रैफिक मिला बहुत तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और ये तो अभी आगे चलते हैं। तो हाईवे से हम लोग यहाँ से घर मेरा लगभग 7 या 8 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं एकदम घर जाके एंड घर जाके एडिट करके एकदम स्ट्रीम करेंगे। तो चलो फटाफट। तो थोड़ा आते ही वापस से हम लोग को ट्रैफिक मिला, एनोइंग लग गया एकदम, वापस ट्रैफिक पे घुस गए गुवाहाटी आके, यही दिक्कत है। आफ्टर ऑल आई हैव टू स्ट्रगल, सो ये स्ट्रगल करके सीधा घर पहुंचेंगे एंड मिलते हैं घर जाके एकदम। चलो गाइस, आफ्टर दिन घर पहुंच के मैं एकदम सो गया। ये पार्ट रिकॉर्ड करो 2 दिन के बाद, मुझे पता है 2 दिन तक वीडियो नहीं आया। ये एडिट करके बैठ गया, आधा हाफ एडिटिंग डन था मेरा, ये लास्ट पार्ट में शूट करके लगा दूंगा बस, देन हो गया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया छोटा सा राइड मेरा, अगर पसंद आया तो जरूर से कमेंट बोलना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे, जरूर से स्ट्रीम में आना, हर रोज कर रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ लेकिन एडिटिंग नहीं किया इसलिए अपलोड नहीं कर रहा। बाय बाय।